शांति। आज है 5/3/20 के साकार महावाक्य। मीठे बच्चे, तुम्हें इस पुरानी दुनिया पुराने शरीर से जीते जी मर कर घर जाना है, इसीलिए देह अभिमान छोड़ देही अभिमानी बनो। प्रश्न है, अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चों की निशानी क्या होगी? उत्तर है, जो अच्छे पुरुषार्थी है वह सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। वह एक बाप को याद करने का पुरुषार्थ करेंगे। उन्हें लक्ष्य रहता कि और कोई देहधारी याद ना आए। निरंतर बाप और 84 के चक्र की याद रहे, ये भी अहो सौभाग्य कहेंगे। ओम शांति। अभी तुम बच्चे जीते जी मरे हुए हो। कैसे मरे हो? देह के अभिमान को छोड़ दिया तो बाकी रही आत्मा। शरीर तो खत्म हो जाता है, आत्मा नहीं मरती। बाप कहते हैं, जीते जी अपने को आत्मा समझो और परमपिता परमात्मा के साथ योग लगाने से आत्मा पवित्र हो जाएगी। जब तक आत्मा बिल्कुल पवित्र नहीं बनी है, तब तक पवित्र शरीर मिल ना सके। आत्मा पवित्र बन गई तो फिर ये पुराना शरीर आपे ही छूट जाएगा। जैसे सर्प की खाल ऑटोमेटिकली छूट जाती है, उनसे ममत्व मिट जाता है। वह जानता है हमको नई खाल मिलती है, पुरानी उतर जाएगी। हर एक को अपनी अपनी बुद्धि तो होती है ना? अभी तुम बच्चे समझते हो, हम जीते जी इस पुरानी दुनिया से पुराने शरीर से मर चुके हैं। फिर तुम आत्माएं भी शरीर छोड़ कहां जाएंगी? अपने घर। पहले पहले तो ये पक्का याद करना है, हम आत्मा है शरीर नहीं। आत्मा कहती है, बाबा हम आपके हो चुके, जीते जी मर चुके हैं। अब आत्मा को फरमान मिला हुआ है कि मुझ बाप को याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। ये याद का अभ्यास पक्का चाहिए। आत्मा कहती है, बाबा आप आए हैं तो हम आपके ही बनेंगे। आत्मा मेल है ना कि फीमेल। हमेशा कहते हैं हम भाई भाई हैं, ऐसे थोड़ी कहते हम सब सिस्टर्स हैं, सब बच्चे हैं, सब बच्चों को वर्षा मिलना है। अगर अपने को बच्ची कहेंगे तो वर्षा कैसे मिलेगा? आत्माएं सब भाई भाई हैं। बाप सबको कहते हैं, रूहानी बच्चों को मुझे याद करो। आत्मा कितनी छोटी है, ये है बहुत महीन समझने की बातें। बच्चों को याद ठहरती नहीं है। सन्यासी लोग दृष्टांत देते हैं, मैं भैंस हूँ भैंस हूँ, ऐसे कहने से फिर भैंस बन जाते हैं। अब वास्तव में भैंस कोई बनते थोड़ी है। बाप तो कहते हैं, अपने को आत्मा समझो। ये आत्मा और परमात्मा का ज्ञान तो कोई को है नहीं, इसीलिए ऐसी ऐसी बातें कह देते हैं। अब तुमको देही अभिमानी बनना है। हम आत्मा है, ये पुराना शरीर छोड़ हमको जाए नया लेना है। मनुष्य मुख से कहते भी है कि आत्मा स्टार है, भ्रकुटी के बीच में रहती है, फिर कह देते अगुष्टे मिसल है।
अब सितारा कहा, अगुष्ठा कहा, और फिर मिट्टी के सालिग्राम बैट बनाते हैं। इतनी बड़ी आत्मा तो हो नहीं सकती, मनुष्य देह अभिमानी है ना, तो बनाते भी मोटे रूप में है। ये तो बड़ी सूक्ष्म महीनता की बातें हैं। भक्ति भी मनुष्य एकांत में कोठी में बैठ करते हैं। तुमको तो गृहस्थ व्यवहार में धंधे आदि में रहते हुए बुद्धि में ये पक्का करना है हम आत्मा हैं। बाप कहते हैं, मैं तुम्हारा बाप भी इतनी छोटी बिंदु हूँ, ऐसे नहीं कि मैं बड़ा हूँ। मेरे में सारा ज्ञान है, आत्मा और परमात्मा दोनों एक जैसे ही हैं, सिर्फ उनको सुप्रीम कहा जाता है। ये ड्रामा में नूंद है। बाप कहते हैं, मैं तो अमर हूँ, मैं अमर ना होता तो तुमको पावन कैसे बनाऊं, तुमको स्वीट चिल्ड्रन कैसे कहूं, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप आकर देही अभिमानी बनाते हैं, इसमें ही मेहनत है। बाप कहते हैं, मुझे याद करो और कोई को याद ना करो। योगी तो दुनिया में बहुत है, कन्या की सगाई होती है तो फिर पति के साथ योग लग जाता है ना, पहले थोड़ी था, पति को देखा फिर उनकी याद में रहती है। अब बाप कहते हैं, मामे कम याद करो, ये बहुत अच्छी प्रैक्टिस चाहिए। जो अच्छे अच्छे पुरुषार्थी बच्चे हैं, वे सवेरे सवेरे उठकर देही अभिमानी रहने की प्रैक्टिस करेंगे। भक्ति भी सवेरे करते हैं ना, अपने अपने इष्ट देव को याद करते हैं, हनुमान की भी कितनी पूजा करते हैं, लेकिन जानते कुछ भी नहीं। बाप आकर समझाते हैं, तुम्हारी बुद्धि बंदर मिसल हो गई है, अब फिर तुम देवता बनते हो। अब ये है पतित तमो प्रधान दुनिया, अभी तुम आए हो बेहद के बाप के पास। मैं तो पुनर्जन्म रहित हूँ, ये शरीर इस दादा का है, मेरा कोई शरीर का नाम नहीं, मेरा नाम ही है कल्याणकारी शिव। तुम बच्चे जानते हो, शिव बाबा कल्याणकारी आकर नर्क को स्वर्ग बनाते हैं, कितना कल्याण करते हैं, नर्क का एकदम विनाश करा देते हैं। प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा अभी स्थापना हो रही है, ये है प्रजापिता ब्रह्मा मुख वंशावली। चलते फिरते एक दो को सावधान करना है, मन मना भव। बाप कहते हैं, मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। पतित पावन तो बाप है ना, उन्होंने भूल से भगवानुवाच के बदले कृष्ण भगवानुवाच लिख दिया है। भगवान तो निराकार है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है, उनका नाम है शिव। शिव की पूजा भी बहुत होती है, शिव काशी कहते रहते हैं। भक्ति मार्ग में अनेक प्रकार के नाम रख दिए हैं, कमाई के लिए अनेक मंदिर बनाए हैं, असली नाम है शिव। फिर सोमनाथ रखा है, सोमनाथ सोमरस पिलाते हैं, ज्ञान धन देते हैं। फिर जब पुजारी बनते हैं तो कितना खर्चा करते हैं, उनके मंदिर बनाने पर क्योंकि सोमरस दिया है ना, सोमनाथ के साथ सोमनाथिनी भी होगी, यथा राजा रानी तथा प्रजा, सब सोमनाथ सोमनाथिनी हैं। तुम सोनी दुनिया में जाते हो, वहां सोने की ईंटें होती हैं,
नहीं तो दीवारें आदि कैसे बने। बहुत सोना होता है, इसीलिए उसको सोने की दुनिया कहा जाता है। ये है लोहे पत्थरों की दुनिया। स्वर्ग का नाम सुनकर ही मुख पानी हो जाता है। विष्णु के दो रूप लक्ष्मी नारायण अलग अलग बनेंगे ना। तुम विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। अभी तुम हो रावणपुरी में। तो अब बाप कहते हैं, सिर्फ अपने को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाप भी परम धाम में रहते हैं, तुम आत्माएं भी परम धाम में रहती हो। बाप कहते हैं, तुमको कोई तकलीफ नहीं देता हूँ, बहुत सहज है। बाकी ये रावण दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा है, ये विघ्न डालते हैं। ज्ञान में विघ्न नहीं पड़ते, विघ्न पड़ते हैं याद में। घड़ी घड़ी माया याद भुला देती है, देह अभिमान में ले आती है। बाप को याद करने नहीं देती, ये युद्ध चलती है। बाप कहते हैं, तुम कर्म योगी तो हो ही। अच्छा, दिन में याद नहीं कर सकते हो तो रात को याद करो। रात का अभ्यास दिन में काम आएगा। निरंतर स्मृति रहे, जो बाप हमको विश्व का मालिक बनाते हैं, हम उसे याद करते हैं। बाप की याद और 84 जन्मों के चक्र की याद रहे तो अहो सौभाग्य। औरों को भी सुनाना है, बहनों और भाइयों, अब कलयुग पूरा हो, सतयुग आता है। बाप आए हैं सतयुग के लिए, राजयोग सिखला रहे हैं। कलयुग के बाद सतयुग आना है। एक बाप के सिवाए और कोई को याद नहीं करना है। वानप्रस्थी जो होते हैं, वह सन्यासियों का जाए संग करते हैं। वानप्रस्थ वहां वाणी का काम नहीं है। आत्मा शांत रहती है, लीन तो हो नहीं सकती। ड्रामा से कोई भी एक्टर निकल नहीं सकता। ये भी बाप ने समझाया है, एक बाप के सिवाए और कोई को याद नहीं करना है। देखते हुए भी याद न करो। ये पुरानी दुनिया तो विनाश हो जानी है, कब्रिस्तान है ना। मुर्दों को कभी याद किया जाता है क्या? बाप कहते हैं, ये सब मरे पड़े हैं। मैं आया हूँ पतितों को पावन बनाए ले जाता हूँ। यहाँ ये सब खत्म हो जाएंगे। आजकल बॉम्ब्स आदि जो भी बनाते हैं, बहुत तीखे तीखे बनाते रहते हैं। कहते हैं, यहाँ बैठे जिस पर छोड़ेंगे उस पर ही गिरेंगे। ये नूंद है, फिर से विनाश होना है। भगवान आते हैं नई दुनिया के लिए, राजयोग सिखला रहे हैं। ये महाभारत लड़ाई है, जो शास्त्रों में गाई हुई है। बरोबर भगवान आए हैं स्थापना और विनाश करने। चित्र भी क्लियर है, तुम साक्षात्कार कर रहे हो, हम ये बनेंगे। यहाँ की ये पढ़ाई खत्म हो जाएगी, वहां तो बैरिस्टर डॉक्टर आदि की दरकार नहीं होती। तुम तो यहाँ का वर्षा ले जाते हो, हुनर भी सब यहाँ से ले जाएंगे। मकान आदि बनाने वाले फर्स्ट क्लास होंगे तो वहां भी बनाएंगे। बाजार आदि भी तो होगी ना, काम तो चलेगा। यहाँ से सीखा हुआ अक्ल ले जाते हैं, साइंस से भी अच्छे हुनर सीखते हैं, वह सब वहां काम आएंगे, प्रजा में जाएंगे। तुम बच्चों को तो प्रजा में नहीं आना है, तुम आई हो
मम्मा बाबा के तख्त नशीन बनने, पाप जो श्रीमत देते हैं उस पर चलना है। फर्स्ट क्लास श्रीमत तो एक ही देते हैं कि मुझे याद करो। कोई का भाग्य अनायास भी खुल जाता है, कोई कारण निमित बन पड़ता है। कुमारियों को भी बाबा कहते हैं, शादी तो बर्बादी हो जाएगी, इस गटर में मत गिरो। क्या तुम बाप का नहीं मानेंगी, स्वर्ग की महारानी नहीं बनेंगी। अपने साथ प्रण करना चाहिए कि हम उस दुनिया में कभी नहीं जाएंगे, उस दुनिया को याद भी नहीं करेंगे। शमशान को कभी याद करते हैं क्या? यहाँ तो तुम कहते हो, कहाँ ये शरीर छूटे तो हम अपने स्वर्ग में जाएं। अब 84 जन्म पूरे हुए, अब हम अपने घर जाते हैं। औरों को भी यही सुनाना है, ये भी समझते हो, बाबा बिगर सतयुग की राजाई कोई दे नहीं सकते। इस रथ को भी कर्म भोग तो होता है ना? बाप दादा की भी आपस में कभी रूह रिहान चलती है। ये बाबा कहते हैं, बाबा आशीर्वाद कर दो, खांसी के लिए कोई दवाई करो या छू मंत्र से उड़ा दो। कहते हैं, नहीं ये तो भोगना ही है। ये तुम्हारा रथ लेता हूँ, उसके एवज में तो देता ही हूँ, बाकी ये तो तुम्हारा हिसाब किताब है। अंत तक कुछ ना कुछ होता रहेगा, तुम्हें आशीर्वाद करूं तो सब पर करना पड़े। आज ये बच्ची यहाँ बैठी है, कल ट्रेन में एक्सीडेंट हो जाता है, मर पड़ती है, बाबा कहेंगे ड्रामा। ऐसे थोड़ी कह सकते कि बाबा ने पहले क्यों नहीं बताया, ऐसा कायदा नहीं है। मैं तो आता हूँ पतित से पावन बनाने, ये बतलाने थोड़ी आया हूँ। ये हिसाब किताब तो तुमको अपना चुकतू करना है, इसमें आशीर्वाद की बात नहीं। इसके लिए जाओ सन्यासियों के पास, बाबा तो बात ही एक बताते हैं। मुझे बुलाया ही इसलिए है कि हमको आकर नर्क से स्वर्ग में ले जाओ। गाते भी है पतित पावन सीताराम, परंतु अर्थ उल्टा निकाल दिया है। फिर राम की बैठ महिमा करते रघुपति राघव राजा राम। बाप कहते हैं, इस भक्ति मार्ग में तुमने कितने पैसे गवाए हैं। एक गीत भी है ना, क्या कौतुक देखा, देवियों की मूर्ति बनाए पूजा कर फिर समुद्र में डुबो देते हैं। अब समझ में आता है कितने पैसे बर्बाद करते हैं, फिर भी ये होगा। सतयुग में तो ऐसा काम होता ही नहीं, सेकंड बाय सेकंड की नोंद है, कल्प बाद फिर यही बात रिपीट होगी। ड्रामा को बड़ा अच्छी रीति समझना चाहिए। अच्छा, कोई जास्ती याद नहीं कर सकते तो बाप कहते हैं, सिर्फ अल्फ और बे, बाप और बादशाही को याद करो। अंदर में यही धुन लगा दो कि हम आत्मा कैसे 84 का चक्र लगा कर आई है। चित्र पर समझाओ बहुत सहज है, ये है रूहानी बच्चों से रूह रिहान। बाप रूह रिहान करते ही हैं बच्चों से, और कोई से तो कर न सके। बाप कहते हैं, अपने को आत्मा समझो, आत्मा ही सब कुछ करती है। बाप याद दिलाते हैं, तुमने 84 जन्म लिए हैं, मनुष्य ही बने हैं। जैसे बाप ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि विकार में नहीं जाना है, ऐसे ये भी ऑर्डिनेंस निकालते हैं कि किसको रोना नहीं है। सतयुग त्रेता में कभी कोई रोते नहीं,
छोटे बच्चे भी नहीं रोते। रोने का हुक्म नहीं, वह ही हर्षित रहने की दुनिया। उसकी प्रैक्टिस सारी यहाँ करनी है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, बाप से आशीर्वाद मांगने के बजाय याद की यात्रा से अपना सब हिसाब चुकतू करना है। पावन बनने का पुरुषार्थ करना है, इस ड्रामा को यथार्थ रीति समझना है। दूसरी पॉइंट है, इस पुरानी दुनिया को देखते हुए भी याद नहीं करना है, कर्म योगी बनना है, सदा हर्षित रहने का अभ्यास करना है, कभी भी रोना नहीं है। आज का वरदान है, सर्व के प्रति शुभ भाव और श्रेष्ठ भावना धारण करने वाले हंस बुद्धि होली हंस भव। हंस बुद्धि अर्थात सदा हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ और शुभ सोचने वाले, पहले हर आत्मा के भाव को परखने वाले और फिर धारण करने वाले। कभी भी बुद्धि में किसी भी आत्मा के प्रति अशुभ व साधारण भाव धारण ना हो। सदा शुभ भाव और शुभ भावना रखने वाले ही होली हंस हैं। वे किसी भी आत्मा के अकल्याण की बातें सुनते देखते भी अकल्याण को कल्याण की वृत्ति से बदल देंगे। उनकी दृष्टि हर आत्मा के प्रति श्रेष्ठ शुद्ध स्नेह की होगी। आज का स्लोगन है, प्रेम से भरपूर ऐसी गंगा बनो जो आपसे प्यार का सागर बाप दिखाई दे।